आज बात करेंगे अम्फान के बारे में। और अम्फान जो कि एक भीषण सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है, जो 20 मई को दोपहर से शाम के बीच में कभी भी तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचा सकता है। अम्फान जो कि पश्चिमी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप समूह के तटीय इलाकों से गुजरेगा, और इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हवा की जो स्पीड रहने वाली है वो 50 किलोमीटर पर आवर से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर तक रह सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो तूफान होगा वो कितनी भीषण तबाही की ओर ले जा सकता है। एक तरफ दुनिया और भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ इस प्रकार के अदृश्य जो दुश्मन हैं वो तंग करने में लगे हुए हैं। सुपर साइक्लोन की बात करें तो 21 साल पहले इस प्रकार का सुपर साइक्लोन भारत में आया था, और 1999 में आए सुपर साइक्लोन की तबाही की बात करें तो उसमें 10,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और बहुत सारी जनधन की हानि हुई थी। इस बार भी सुपर साइक्लोन से रेल की पटरियां, बगीचे और लोगों के घर या अन्य साजो सामान के हानि होने के अनुमान हैं। एनडीआरएफ और राज्य आपदा बल की कई सारी टीमें पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों को खाली कराने में लगी हुई हैं और इस तबाही के प्रभाव को कम करने में लगी हुई हैं। तो ये सारे सुपर साइक्लोन के नाम होते हैं वो कौन डिसाइड करता है और ये कौन सी कमेटियों के द्वारा सजेस्ट करे जाते हैं, ये बात स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि आगामी एग्जाम से इससे कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अम्फान सुपर साइक्लोन से रिलेटेड जो नाम है वो थाईलैंड ने सजेस्ट किया था, ये आप नोट कर लें कि 2004 में तूफानों की एक लिस्ट तैयार की गई थी, उस लिस्ट का अंतिम नाम है अम्फान। तो अम्फान जो है वो थाईलैंड के द्वारा सजेस्ट किया गया था, और दुनिया भर के तूफानों के नामों की जो लिस्ट तैयार करते हैं वो ये 5 कमेटियां तैयार करती हैं। पहली कमेटी का नाम है स्केफ टाइफून कमेटी, दूसरी कमेटी है स्केफ पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, थर्ड कमेटी का नाम है RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, चौथी कमेटी का नाम है RA4 और पांचवी कमेटी का नाम है RA5। तो ये साइक्लोन से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी थी। इसकी तबाही कितनी भयावह होगी ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन हम उससे पहले दुआ करेंगे कि इसमें कम से कम तबाही हो और कम से कम लोगों की जान जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी और जानकारियों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अम्फान के बारे में, और अम्फान जो कि एक भीषण